सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के खूबसूरत मार्केट सोमप्रयाग मार्केट से। तो दोस्तों, आज है मेरे मामा की सुबह में हल्दी और मैं हल्दी सेरेमनी के लिए भी रेडी हो गई हूँ और बाकी मेरे मामी लोग भी रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर ना मेरे को बड़ी वाली मामी भी मिल गई हैं। तो मामी अभी आ रही हैं त्रिजी नारायण से शादी में जा रही थी। तो मामी कैसी हो आप? बस बढ़िया। तू ठीक है? बस बढ़िया। तेरी मम्मी लोग? बस बढ़िया। कब रिजल्ट होगी? आ जाएगी। अच्छा। और मम्मी ना आ जाएगी या तो कल आएगी, उतना मेरे को नहीं पता है क्योंकि घर में भैंस भी है ना। तो आप अभी रेडी नहीं हुई? अब होंगी। और मामा जी के होटल के ठीक यहाँ नीचे की साइड है मेरी जेठी माँ लोगों का होटल। तो अभी मैं और मामी जी जा रहे हैं ओखली में चावल को पीसने के लिए। वो भी एक पत्थर पर पीसने हैं। तो मामी के हाथ पे है चावल का कटोरा। और यहाँ पे मामा भी रेडी हो गए हैं और नानी भी। मामा जी कैसे हो आप? अरे मस्त। और मामा आज हीरो लग रहे हैं और नानी भी रेडी हो गई है। और नानी के लिए तो बधाई और मामा के लिए भी। आपके लिए भी धन्यवाद। वही तो, धन्यवाद। और सभी रेडी होने पे लगे हुए हैं और मैं तो रेडी हो गई हूँ। और यहाँ टेंट वगैरह भी लग चुका है और हल्की हल्की तेज हवा भी चल रही है। और ये है अभिषेक, मेरी मामी का बड़ा लड़का। हेलो। और अभिषेक यहाँ पे चाय बांट रहा है मेहमानों को। और यहाँ अंदर भी सभी रेडी हो गए हैं और मामी भी रेडी हो गई है और जेठी माँ भी और आरती दीदी भी। और आरती दीदी है मेरी जेठी माँ की लड़की। और आज मामी और जेठी माँ काफी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे है मामी जी। हेलो मामी। हेलो। बहुत बिजी हैं भाई आज। आज मामी बहुत बिजी हो गई। जल्दी रेडी हो गई थी। और आज मामी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही हूँ। हाँ। आपके सब्सक्राइबर बताएंगे कि हम कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। बिल्कुल श्योर। और अभी यहाँ पे ना काफी तेज हवा चल रही है और यहाँ पे सब तैयारियों पे लगे हुए हैं। और आरती दीदी भी बहुत क्यूट लग रही है। तो आरती दीदी कैसी हो आप और कैसी चल रही है पढ़ाई? तो आरती दीदी परसों ही आई देहरादून से। तो अभी हम जा रहे हैं हल्दी कूटने के लिए और आज नाश्ट मामा की शादी है। तो अभी मैं और आरती दीदी चलते हैं ऊपर पे जहाँ पे ना हल्दी कूटी जानी है। और यहाँ पे ना टेंट भी लग चुका है तो यहाँ पे तैयारी वगैरह हो रही है। हाँ। और मामा जी भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। तो मामा जी के लिए बधाई। धन्यवाद। और मामा जी काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। तो कैसा? सब लोगों के इनवाइट है, सोनप्रयाग में शादी है, सब लोग आ सकते हो एक दो दिन में। वही तो। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ ओखली में। तो यहाँ पे हो रही है गणेश पूजा। तो गणेश पूजा होने के बाद यहाँ ओखली में हल्दी कूटी जा रही है और साथ में फोटो शूट हो रहा है। निकाल रहे हैं इस परात में, उसमें हमने चावल का पेस्ट भी रखा हुआ है और ऑलरेडी हमने हल्दी भी रखी हुई थी उसमें। हम
चावल के पेस्ट में हमने गर्म पानी मिला दिया है। सबसे पहले देवर जी अपने हाथ छापेंगे यहाँ ओखल में। तो पूजा वगैरह भी हो गई है, अब है हल्दी हाथ। तो अब मामा जी को हल्दी लगाएंगे, तो चल रहे हैं। तो यहाँ पर हल्दी सेरेमनी भी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले ना कन्या द्वारा ही हल्दी लगाई जाती है, फिर सुहागन महिलाओं द्वारा हल्दी लगाई जाती है। तो यहाँ पे दीदी मामा जी को हल्दी लगा रही है। तो मामा जी को हल्दी भी लगा दी है और यहाँ पे हो रहा है फोटोशूट। जी को हल्दी लगा दी है, बाकी लोग हल्दी लगा रहे हैं। और सबसे पहले ना कन्याएं लगाती हैं हल्दी को, फिर सुहागन महिलाएं लगाती है। तो अभी मेरा फोन ना चार्ज नहीं है, तो चार्ज पे लगाते हैं।